हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा पंखा बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मैन कपड़ा है और बीच में हमने चावल की बोरी डाली हुई है और नीचे भी हमारा कपड़ा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से पहले सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कढ़ाई वाली नेट रखेंगे और इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी नेट थोड़ी सी प्लेन है, तो यहाँ पर भी इस तरह से नेट को सिल लेंगे और नीचे की तरफ भी नेट को लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से नेट को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से बीच में भी दाब सिलाई लगा लेते हैं और इस साइड में भी हम यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखिए पार्ट को तैयार कर लिया है। इसकी चौड़ाई 10.5 इंच है और लंबाई भी 10.5 इंच है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे कलर की पट्टी लेंगे और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है। तो देखिए इसको हमें इस तरह से रखे एक सीधी सिलाई लगानी है और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर पट्टी को इस साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो हमने एक तरफ से पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसको भी हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी पट्टी सिलेंगे। तो 1/2 इंच हम पट्टी को बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर देखिए हमें इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें फोल्ड करके दाब सिलाई लगानी है। तो हमने तीनों तरफ से पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर हमने डंडी को लिया है, इसको हमने बीच से कटिंग कर लिया है। तो डंडी को देखिए इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर हमें इसको अच्छे से टांक लेना है। बिल्कुल टाइटली हम यहाँ पर इसको टाँकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक साइड में इसको टांक लिया है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी टांक लेना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डंडी दिख रही है तो इस पर भी हमें पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करके सुई की मदद से इसको सिलेंगे, ठीक है। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी हमें पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से हमने चारों साइड में पट्टी को लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर झालर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे कलर की पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 6 इंच है। तो इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें साइड में सिलाई लगानी है। और देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे झालर के ऊपर। और यहाँ पर हमारी जो नीचे वाली पट्टी है तो इसमें तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे और फिर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पट्टी में हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। इसको अंदर की साइड कर देना है, ठीक है। और फिर सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी जो झालर है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, मशीन से ही हमने झालर को तैयार किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पंखे को लेंगे और पहले हम यहाँ पर झालर को नाप लेते हैं। एक बराबर हमें दोनों तरफ से झालर को सिल लेना है, ठीक है। तो झालर को देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सुई की मदद से इस झालर को टाँक लेना है। तो यहाँ पर हमने देखी तीनों साइड से झालर को सिल लिया है और जो हमारा पंखा है वो बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।